हेलो बच्चों, आज हम लोग पारा थायरॉइड ग्लैंड की बात करेंगे। ये पारा थायरॉइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में, यहाँ पर जो थायरॉइड ग्लैंड होता है, इसी के पीछे दो पेयर की संख्या में थायरॉइड ग्लैंड पाया जाता है। अगर बात करेंगे इस इमेज में, आप देखोगे ये नेक रीजन में ये थायरॉइड ग्लैंड, इसी के पीछे ये जो आप येलो स्पॉट देख रहे हो ये आपका पारा थायरॉइड ग्लैंड, यानी पारा थायरॉइड ग्लैंड का नंबर दो पेयर, यानी फोर इन नंबर। इसकी बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक इंडोडर्मल लेयर से बना होगा, इसीलिए इसका ओरिजिन इंडोडर्मल, किसका? पाराथायरॉइड ग्लैंड का। इसके द्वारा पारा थॉर्मोन का सेक्रेशन होगा। पारा थॉर्मोन जो कि प्रोटीनस हार्मोन होता है। तो यहां पर बात करोगे ये इंडोडर्मल ओरिजिन होगा। ये ग्लैंड्स इम्बीडेड किधर? डोर्सल साइड। किसके? थायरॉइड ग्लैंड के डॉर्सल में दो पेयर की संख्या में पाया जाएगा पारा थायरॉइड ग्लैंड। अगर बात करेंगे तो ये ग्लैंड सेक्रेट करेगा पारा हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन। और अगर बात करेंगे, ये चूंकि कॉलिप्स हार्मोन इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि कॉलिप्स हमने इसको प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया, और ये हार्मोन प्रोटीनस हार्मोन होता है। इसकी बात अगर करें, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें इस जगह पर, देखोगे ये हमारा थायरॉइड ग्लैंड के डॉर्सल में पारा थायरॉइड ग्लैंड, और इस पारा थायरॉइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सेक्रेट किया गया पारा थॉर्मोन। ये पारा थॉर्मोन की बात करेंगे, ये करता क्या है? पारा थॉर्मोन करता क्या है? एक्चुअली ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। कैसे? ऐसे हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल 10 to 12 mg/100 ml ब्लड होना चाहिए, और इस कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है पारा थॉर्मोन। कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट, पारा थॉर्मोन का काम क्या है? हमारे इंटेस्टाइन लेवल से, एलिमेंट्री कैनाल, अचौनी पचौनी से क्या करेगा? ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, यानी इंटेस्टाइन के लेवल पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कौन? पाराथॉर्मोन। इतना ही नहीं, तो स्वाभाविक है, जब इंटेस्टाइन से कैल्शियम को घींच के लाएंगे तो हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम का लेवल कमेगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। इतना सही नहीं बढ़ेगा, ये हमारे किडनी के पास से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करेगा। रीएब्जॉर्ब क्यों? क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन में एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगा कौन? करेगा पाराथॉर्मोन। अब सोचिए कि इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब किया गया, और किडनी के पास से भी रीअब्जॉर्ब किया गया, दो जगह से घींच करके हमने कैल्शियम को लाया, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा। इतना ही नहीं, हमारे बोन के पास से भी, अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारा ये बोन है, याद रखिए बोन में दो तरह के सेल होते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट और एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अगर हम ऑस्टियोब्लास्ट की बात करेंगे, इसको बोन मेकिंग सेल कहा जाएगा, बोन मेकिंग सेल, और हमारे बोन में ही
99.9% कैल्शियम स्टोर होते हैं। अब बाकी आपका 1% के लगभग कहां पर 99.99% कैल्शियम स्टोर है बोन में, और 1% के लगभग कहां पर स्टोर होगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब सोचो ये बोन मेकिंग का काम किया ऑस्टियोब्लास्ट सेल, लेकिन बोन ईटिंग सेल ऑस्टियोब्लास्ट ये करेगा क्या? अगर ये बोन ईटिंग सेल है तो नेचुरली है बोन के सेल को ब्रेक करेगा, अब ब्रेक करेगा तो उससे क्या रिलीज होगा? कैल्शियम, और उस कैल्शियम को क्या करेगा? यहां से भी घींच करके ले जाएगा किसमें? ब्लड में। यानी हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल 3 जगह से बढ़ा, एक इंटेस्टाइन से हमने इसको एब्जॉर्ब किया, किडनी से हमने रीएब्जॉर्ब किया, और हमारे बोन में जो 99% कैल्शियम है उसमें जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कमेगा तो ऑटोमेटिक इसका ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव हो जाएगा, और जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होगा तो यहां से क्या करेगा? हमारे कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बोन के सेल ब्रेक होने लगेंगे। कौन ब्रेक करेगा? पैराथॉर्मोन। और जब ब्रेक करेगा तो कैल्शियम रिलीज होगा, और इस कैल्शियम को घींच के कहां पर ले जाएंगे? ब्लड में। यानी ओवरऑल ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करेगा। लेकिन इसी कैल्शियम के लेवल को घटाने के लिए थायरोकैल्सिटोनिन काम करेगा। थायरोकैल्सिटोनिन जो एंटागोनिस्टिक है उल्टा काम करेगा किसके? पैराथॉर्मोन के। ये क्वेश्चन आता है पैराथॉर्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन? याद रखिएगा थायरोकैल्सिटोनिन कौन सेक्रेट करेगा? तो थायरॉइड ग्लैंड। तो गौर करिएगा हमने ये फंक्शन ओवरऑल हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज किया। अगर हम बात करेंगे ये थायरॉइड ग्लैंड का अगर हमारे बॉडी में काम, तो हमने क्या क्या बोला? सबसे पहला प्रोटीनस हार्मोन है, दूसरी बात पैराथॉर्मोन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। क्यों भाई? जिंदगी जीने के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि होमियोस्टेसिस को भी मेंटेन करेगा। होमियोस्टेसिस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अपने बॉडी में जो हम परिवर्तन करते हैं वही तो होमियोस्टेसिस है। शिवरिंग का आना, हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बाद हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा लेना, आपका हीट एरिया में गर्मी एरिया में जाने के बाद स्वेटिंग का सेक्रेशन होना, ये होमियोस्टेसिस उसको भी मेंटेन करेगा पैराथॉर्मोन। इतना ही नहीं, ये आपका पैराथॉर्मोन अगर बात करेंगे तो कैल्शियम, तो ये कह रहा है कैल्शियम इज की एलिमेंट ऑफ हमारे बॉडी के लिए, कैल्शियम बहुत जरूरी का चीज है। जैसे कि एक और बहुत बड़ा इसका रोल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी को भी हाई करवाएगा, साथ साथ मस्कुलर एक्टिविटी, ये जो मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये नर्व इंपल्स कंडक्शन, हार्ट बीट, ब्लड कोगुलेशन, बोन फॉर्मेशन, इन सभी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की। इसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? ये पैराथॉर्मोन। दूसरी बात, ये कैल्शियम जो होता है ये मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ ऑल मिनरल फाउंड इन आवर बॉडी। याद रखिएगा हमारे बॉडी में जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मिनरल है तो दैट इज क्या कहिएगा? आपका कैल्शियम। याद रखिएगा, और 99% कैल्शियम कहां पर होगा? आपका बोन में, और 1% कहां पर होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। अगर बात करेंगे तो ये क्या कहिएगा? मेंटेन करेगा पैराथॉर्मोन क्या? तो लेवल अंडर होमियोस्टेसिस इन फैक्ट कंबाइंड फंक्शन ऑफ क्या कहिएगा? पैराथॉर्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और विटामिन क्या कहिएगा? D3। साथ साथ ये करेगा क्या? अभी हमने जो पढ़ा फंक्शन अगर बात किया जाए तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला स्टिमुलेट क्या कहिएगा? ये आपका स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन या डिजोल्यूशन। दूसरी बात, प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या कहे? कैल्शियम फ्रॉम द फूड इंटेस्टाइन से। और आपका प्रोमोट क्या कहेगा? रीअब्जॉर्प्शन कहां से? फ्रॉम द नेफ्रॉन यानी किडनी से।
तो ओवरऑल हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम कौन किया, ये आपका पारा थॉर्मोन। अगर बात किया जाए, ध्यान दोगे लास्ट लाइन कह रहा है कि पारा थॉर्मोन स्टिमुलेट द ऑस्टियोक्लास्ट, नहीं बोले बोन इटिंग सेल और एक था बोन मेकिंग सेल। तो बोन मेकिंग सेल कौन, ऑस्टियोब्लास्ट। अब बोन इटिंग सेल कौन, ऑस्टियोक्लास्ट। उसको एक्टिविटी को फास्ट करेगा जिससे अननेसेसरी पार्ट जो होंगे बोन के उसको खा पी जाएगा, डिजॉल्व भी करेगा और जरूरत पड़ने पर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा, आपका बढ़ाने का काम करेगा। हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल आपका सो कॉल्ड 12mg और थायरोकैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक काम करेगा, किसका, आपका पारा थॉर्मोन का। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले ग्लैंड्स को लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।